नाम आने वाला भी बोलते हैं उसके बारे में कुछ प्रमुख दिवस लेके आए आज कि किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है। वो पर्यटन दिवस की बात कर रहे हैं पहले, टूरिज्म डे पर्यटन दिवस कब होता है किसने होता है। हरियाणा में दो पर्यटन दिवस की बात करते हैं कि हरियाणा में इसका प्रश्न आया था पहले एचएससी के अंदर कि हरियाणा में पर्यटन जो अपना डिपार्टमेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पर्यटन विभाग के दो ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के वो कौन है, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, 27 सितंबर गांधी जयंती, गांधी जयंती कब आती है 2 अक्टूबर को। इस दिन दो जयंतियां और दो दिवस और होते हैं, याद है किसी को क्या, एक मैं बताता हूं लाल बहादुर शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती देश के सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री इनका नाम गिना जाता है, इनका टॉप क्लास प्रधानमंत्री है, इनसे ऊपर कोई नहीं बना। इनकी जयंती कब है 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ध्यान रखना गांधी जयंती इसी दिन, लाल बहादुर शास्त्री जयंती इसी दिन और अहिंसा दिवस भी इसी दिन है। अगला है वायु सेना दिवस, कौन सा वायु सेना दिवस है, भारतीय वायु सेना दिवस 18 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस, एक चीज आपको मेंटेन बताओगे खाद्य के अंदर हमारे जो महाद्वीप है साथ कौन सा महाद्वीप खाद्य में पिछड़ा हुआ है और उसी को बचाने के लिए क्या है खाद्य दिवस की शुरुआत हुई थी। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है जी। यूएनओ डे, कौन सा यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर यूएनओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है ये। यूएनओ डे कब मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। फुल फॉर्म यूएनओ की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन, इससे पहले क्या था यूएन था ओनली यूनाइटेड नेशन, जो क्या है 1920 में बना था और 1935 तक आते आते यूएन क्या है फेल हो गया था। किस कारण फेल हुआ था कि जर्मनी के अंदर नाजीवाद यानी कि हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने क्या है यूएन के अंदर कुछ शर्तें बनाई गई थी कि जर्मनी का युद्ध का मेन कारण माना गया था और जर्मनी का एक वर्साई की संधि थोपी गई थी, उस संधि के नियमों को तोड़ दिया और इसको तोड़ते क्या है यूएन क्या खत्म हो गया। उसके बाद में 35 से लेकर 1945 तक, सॉरी 1939 से लेकर 1945 तक क्या दूसरा विश्व युद्ध चला था और इसी विश्व युद्ध के दौरान एक दूसरा संगठन सामने आया उसका नाम क्या था यूएनओ। जो बड़े बड़े देश हैं ना जैसे इंग्लैंड अमेरिका रूस, इनके सामने समस्या खड़ी हुई यदि एक पहले संगठन बनाया किस लिए विश्व शांति के लिए, पर विश्व शांति कायम नहीं रख सके 15-20 साल तक रखी, 20 साल के बाद फिर ऐसा माहौल पैदा हो गया कि दोबारा फिर जन सकी, ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए क्या है यूएनओ की स्थापना की गई। उसने कहा कि यूएन तो था और से क्या हो जाएगा आगे होगा, इस यूएन को इतनी शक्तियां दे दी गई कि किसी भी देश पर ये कभी भी कार्रवाई कर सकते यदि ना माने तो। फॉर एग्जांपल लेते हैं आप जैसे पीछे अपने पाकिस्तान के साथ कुछ वाद विवाद हो रहे थे, कुछ हमले हुए थे, पाकिस्तान अटैक करने की सोच रहा था कि जी मैं पुलवामा अटैक हुआ वापिस बोला कि कश्मीर पर कब्जा करेंगे पीओके में आगे बढ़ रहे थे, तो उसने क्या है इंडिया ने एक एप्लीकेशन काम लगाई यूएनओ के अंदर कि हमें पाकिस्तान से खतरा है और पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा है चाइना कर रहा है, तो यूएनओ ने क्या कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है हम कार्रवाई करते हैं, तो यूएनओ ने प्रेशर किसके ऊपर डाला चाइना के ऊपर कि आप अपने हाथ पीछे खींचो आप किसी को उकसाओ मत, यदि उकसाओगे तो आप घाटे में जाओगे। यूएनओ के दबाव के कारण चाइना पीछे हटता है और वैसे पाकिस्तान क्या शांत हो जाता है। तो इस यूएनओ को बनाने में सबसे बड़ा हाथ था यूएसए का, दूसरा सबसे बड़ा था इंग्लैंड का, दो ही प्रमुख देश थे, एक के पास पैसा था दूसरे के पास ताकत थी।
इंग्लैंड पूरे विश्व पर राज कर चुका था पहले, अब देश का क्या क्षेत्र कम हो रहा था। इधर भारत वाले बोल रहे थे उस टाइम कि हमें आजादी दो आजादी दो। 1939 से लेकर 1945 तक विश्व चलता है और 1941 में भारत के लोगों ने पूरा उग्र रूप धारण कर लिया था कि आप हमें आजादी दो। इसके बीच में गांधी जी आते हैं, गांधी जी से इनका समझौता होता है अंग्रेजों का कि जी जैसे युद्ध समाप्त होता है तो हम भारतीयों को कुछ छूट दे देंगे, तब तक आप हमारे साथ मिलकर काम करो। तो गांधी ने नारा दिया था कि युद्ध में हम अंग्रेजों का सहायता देंगे तो हमें बाद में छूट मिल जाएगी। गांधी अगर वास्तव में देखें तो ये आजादी लेने के पक्ष में नहीं थे, ये तो कुछ सुधारों के पक्ष में थे। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, यूएन संगठन में बढ़ता है और पूरे वर्ल्ड पर ये कार्रवाई करता है और पूरे विश्व शांति को ये स्थापना करता है। ये कारगर क्यों होता है, इसको एक स्पेशल सेना दी जाती है। यूएनओ की क्या है, स्पेशल सेना है, और सेना का नाम क्या है, ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट, यूएनओ की सेना का नाम क्या है, ब्लू हेलमेट। अब यूएनओ करता क्या है कि कोई भी दो देश है जी, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पहला काम क्या करेगा, मीटिंग बिठाएगा जी। मीटिंग में दोनों देश मानते हैं तो ठीक है, दूसरे में कुछ उनके और पाबंदियां लगा देगा, पाबंदियों से नहीं माना, ट्रेड पर रोक लगा देगा, फिर व्यापार नहीं कर सकते आप एक दूसरे का। इससे भी नहीं मानता है कोई देश, ब्लू हेलमेट आती है फिर वो कार्रवाई करती है। चलिए चलो अगला दिवस देखते हैं। अगला दिवस है जी राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती। सरदार पटेल जयंती 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है एकता दिवस, कि सरदार पटेल ने क्या देश को एक करने का काम किया था, पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। नेक्स्ट है बाल दिवस 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। नेक्स्ट है एड्स दिवस, एड्स डे 1 दिसंबर। इंदिरा गांधी जयंती 19 नवंबर। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। ये कुछ एक दे हैं तो पहले आए हुए वो करवा रहे हैं। अगला जी महिला दिवस, महिला दिवस 8 मार्च। मजदूर दिवस 1 मई। महिला दिवस क्यों मनाते हैं, महिलाओं को उत्थान के लिए मनाते हैं। एक आप कमेंट में बताओगे महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल किसने खोला था, महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल किसने खोला था, ठीक है। महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जो पहले पेपरों में बहुत बार आया हुआ है, चेतक का नाम तो सभी ने पढ़ा हुआ है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद, जिसने 7 हाथियों के झुंड था उसको तोड़ दिया था, यानी कि 7 हाथियों का झुंड उसके ऊपर आक्रमण करने आया था, फिर राम प्रसाद ने सभी को मारकर भगा दिया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और जून में होता है सबसे बड़ा दिन। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, जो बाबा रामदेव ने शुरू करवाया था। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। हिंदी दिवस अभी 2 दिन पहले निकल के गया है, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 14 नवंबर। आज हिंदी दिवस पर एक क्वेश्चन बताना हमें
भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है या कोई नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है या कोई नहीं है, इसके ऊपर बताना कि राष्ट्रभाषा हिंदी है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, जैसे दो तीन या तीन दिन बाद में आपको भाषा आयोग का करवाएंगे उसमें बताएंगे कि हिंदी क्या की जाए, कैसे संविधान में शामिल हुई और वर्तमान में उसका स्टैंड कहाँ पे, कहाँ अपना स्वरूप रख रही है। वर्तमान देखे तो हिंदी एक बहुत आज के टाइम में क्या है, लेवल उसका गिर चुका है। एक तो भी मातृभाषा है हिंदी को हमने उसके अंदर शामिल कर लिया है, तो कुछ एक वर्डिंग ऐसी है जिनको हम सही नहीं बोल पाते। दूसरा आज इंग्लिश का प्रदर्शन चल पड़ा है, सभी क्या मानते हैं कि अंग्रेजी होनी चाहिए थी, बच्चा अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी लिखे। क्लियर, थैंक यू, बाकी करते हैं नेक्स्ट।